सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम हो गया आपका मेरे आज एक और व्लॉग में। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे चल रहा है हमारा नाश्ता, और नाश्ता आज मैं भी कर रही हूँ इफ्तिखार के साथ ही, बिकॉज़ फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन बच्चों को छुट्टी जल्दी हो जानी है और एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो ब्रेकफास्ट मैं इफ्तिखार के साथ ही कर रही हूँ। आज मेरे दो काम हैं करने वाले, कल हम लोग जा रहे हैं फैसलाबाद, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी शॉपिंग और साथ में अपने लेंस पिक करने हैं। चलें करते हैं अपना नाश्ता और उसके बाद मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। चलें जी, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली थी और शावर भी ले लिया था और साथ में अपना कुरान पाक भी पढ़ लिया था। चलें अब चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। बच्चों को लेके आके तो फिर देखते हैं मज़ीद आगे क्या प्लानिंग बनती है। तो हम आ गए हैं, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर देखो, ये देखो गाइस, ये हमने पहना हुआ था कल। हमारी परफॉर्मेंस आएगी, वहाँ पे दिखाएंगे। हाँ जी, आज काफी टाइम के बाद हम लोग आए हैं छल्ली खाने और साथ में गन्ने का जूस पीने। बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग मतलब यानी कि आते थे पर ये लोग बंद होते थे, ये भाई लोग बैठे नहीं होते थे सर्दी की वजह से। उसके छल्ली उठा के तो इब्राहिम, लेकिन आज फाइनली हमें ये लोग मिल गए हैं। तो इब्राहिम, नो इब्राहिम और इस्माइल तो फिर बहुत शौकीन जूस थे। अब यहाँ से हम लोगों ने गन्ने का जूस लेना है। छलियाँ सब ने ले ली है, छली लेके ये बैठ गए हैं। हाँ जी, छैया छैया क्या छैया, और एक इधर पीछे बैठा हुआ है आराम से, ये बैठा छलिया ना कुछ लगता। हाँ जी, चले अब चलते हैं यहाँ से जूस लेके घर। वन बाय वन, पहले आप बोलो। अच्छा, ये क्या है, ये क्या लगाया हुआ आपके सर पे टीचर ने, बताओ इब्राहिम, आप बताओ। ये हमारी होटल वाली प्वाइंट थी तो हमने इसलिए ये सर्वे लगाया। कॉज विंटर इज कम, नहीं इस्माइल की ये वाली थी, मेरी कोई और थी। अच्छा अच्छा, इस्माइल आपकी विंटर इज कम थी, तो आपको वो पोएम आती नहीं है? नहीं, वो तो हमारी थी विंटर। हाँ जी, यहाँ पे हमारा खाना हो चुका था और खाना खाने के बाद अब हम इफ्तिखार के फेस पे करेंगे वो बीएनबी का जो हमने मंगवाई थी ना किट, वो अप्लाई करने लगे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, स्क्रब लेके मैंने और इफ्तिखार के फेस की रगड़ाई करनी शुरू की है और 5 से 10 मिनट तक हम इसकी वो करेंगे, मसाज करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैंने इसके फेस की कर ली थी मसाज और मसाज हो चुकी थी कंप्लीट। अब हम लेते हैं स्पंज और स्पंज लेके साफ़ करते हैं इसकी स्किन, और आप देख सकते हैं स्किन पे अभी जस्ट स्क्रबिंग हुई है और इसकी स्किन कितनी नीट हो गई है। फेस पे पिंपल्स तो बेचारे के पहले थे बट लेकिन स्किन नीट हो गई है। यहाँ पे बीएनबी का राइस मास्क हम ले रहे हैं और इसके अंदर डालेंगे अरके गुलाब, आपकी मर्ज़ी, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, अरके गुलाब भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अरके गुलाब था, मैंने अरके गुलाब ऐड किया और मैंने इसको, मुझे लग रहा है मैंने क्वान्टिटी इसकी ज़्यादा ले ली है, और अब मैं ये सारी इफ्तिखार के फेस पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे जी ये रेडी हो चुकी थी और हमने इसका फेस सीधा किया और ये लगाई, और ये कितने मज़े से लगवा रहा है, और ये मास्क 15 मिनट तक लगा रहने देना है। यहाँ पे देखे, कहते ना कि लड़के नहीं तैयारियाँ करते, देख ले जी लड़के भी तैयारियाँ ऐसे ही करवाते, बस ये है कि लड़कियों का नज़र आ जाता है और लड़कों छुप छुप छुपा के ऐसे काम करवा लेते हैं। चले जी, यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके थे पूरे, मैंने काफ़ी थिक लगा दिया था इसके फेस पे और ये उतर नहीं रहा था, रगड़ रगड़ के इसके फेस से उतार रही थी, और जैसे जैसे मैं उतार रही हूँ आप इसकी स्किन पर शाइन देखें, ग्लो देखें, और कितनी मज़े की आ रही है, ठीक हो गया। यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त किट है। यहाँ पर जब हम लोग बाहर निकले हैं तो मैंने इसको बोला एक बार दोबारा अपना रिजल्ट दिखाओ फेस का, फेस इतना नीट लग रहा था, इतना ज़्यादा बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे इंसान फेशियल करवा के आया होता है, ऐसे रिजल्ट थे इसके। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी मॉल, मॉल में हम लोगों ने जाना है जी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने ड्रेस लेना है, तो चले अब चलते हैं हम मॉल के अंदर अपना ड्रेस लेने के लिए। जाते जाते साथ में मैं आपको ये व्यू दिखाती जाऊँ बाहर का, ये देखिए कितने मज़े की फाउंटेन लग रही थी। और अब हम करते हैं एंट्री जी। हम लोग आ चुके थे लाइम लाइट, लाइम लाइट में आके मैंने इसको मोबाइल पकड़ाया, मैंने कहा तुम मेरी
मेरी वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारी वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं शॉपिंग करने आई हूँ तुम नहीं। चल जी यहाँ से मुझे नहीं कोई ड्रेस अच्छा लगा, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं बाहर और जाके सफ़ायर पे देखते हैं सफ़ायर पे क्या है क्या नहीं। चले जी हम सफ़ायर आए हैं, सफ़ायर में तो यार विंटर, मुझे विंटर के ही कपड़े मिल रहे हैं हर जगह पे। ये देखे ना विंटर निकाल के लगा दिया, समर आउट कर दिया है, इसका मतलब ये हो गया जी मुश्किल से ड्रेस मिलेगा मुझे। अच्छा जी BTW पे आए हम लोग, यहाँ पे भी कुछ पे 50% ऑफ लगा हुआ था, जो ड्रेस अच्छे थे पर वो मतलब मिलाद के हिसाब से ठीक नहीं थे। उसके बाद फिर मैं आई केसरिया पे, केसरिया से भी मुझे कोई ड्रेस नहीं अच्छा लगा। देन मैं गई क्रॉस स्टिच पे भी मुझे कोई ड्रेस भी अच्छा नहीं लगा। अब हम चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके देखते हैं शनायर है ऊपर, शनायर पे शायद मुझे कोई ड्रेस अच्छा लग जाए, चलें चेक करते हैं। हाँ जी यहाँ पे मैंने 3 ड्रेस निकलवाए थे, फर्स्ट ये था येलो, ये पहन के देखा बट इफ्तिखार कहता ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने पहना ग्रीन कलर में, ये कलर कुछ अच्छा था और मज़े का भी लग रहा था। एक ड्रेस मैंने लिया ये, और जो दूसरा ड्रेस है वो मैंने लिया ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी फ़िटिंग बहुत मज़े की थी और ये बड़ा मतलब सॉफ्ट सा था, इसका स्टफ़ भी और पहनने में भी ईजी था। यहाँ पर इस ड्रेस का और ग्रीन वाले ड्रेस का हम करवाते हैं जाके बिल। यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट और यहाँ पे मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मेरा एक काम तो हो गया था डन। अब एक काम रह गया है मेरा, वो जो मैंने आपको बताया था अपने लेंस मैंने पिक करने हैं। जब मैं बाहर निकली तो बाहर शाम हो चुकी थी और बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं पार्क में। चले यहाँ से हमने लिया बच्चों को, बच्चे बेचारे कब से वेट कर रहे थे। अब बच्चों को लेके चलते हैं हम लोग घर। घर जाके मैंने लैपटॉप उठाया, उठाने के बाद अब हम लोग निकलते हैं छोटी मम्मा की तरफ, बिकॉज़ मैंने वहाँ से सिर्फ अपने लेंस पिक करने हैं जो मैंने सुबह डाल के जाने हैं फैसलाबाद। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें आज के व्लॉग से, कल हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चले जी अब आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।